सोनपुर एक खुशहाल सा गांव था, जहां गांव वालों को पता लगा कि गांव के पास ही एक कंपनी इंटरनेट का टॉवर लगा रही है, ताकि पूरे गांव वालों को वाईफाई मिल सके। इसी बारे में सुरेश वहां के ठेकेदार से बात करते हुए कहता है, अरे मोरी मैया, ई का बवाल लग रहा है गांव में। अब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, सबके सब इस ससुराल नटवा पर ही लगे रहेंगे। उसको ठेकेदार शांत मन से समझाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चों को सही से समझाया जाए तो वो इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे भैया, लेकिन टावर को वहाँ क्यों लगा रहे हो? जंगल की साइड, जानते नहीं हो का, जंगल को चुड़ैल का बसेरा होता है। जानते हैं, इसीलिए वहीं लगा रहे हैं, ताकि चुड़ैल भी वाईफाई का मजा ले सके। ऐसा कहकर ठेकेदार अपने काम के लिए टावर के पास चला जाता है और टावर के काम को करवाने लगता है। काम करते हुए काफी रात हो जाती है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन एक मजदूर टावर के सामान की सेफ्टी के लिए वही रुक जाता है। कुछ देर में मजदूर वहीं सो भी जाता है। उसके सोने के बाद वहाँ एक चुड़ैल आती है। शिकार, मजा ही आ गया आज तो। वैसे भी कई दिन हो गए थे इंसानी खून पिए हुए। ऐसा कहकर चुड़ैल अपना रूप बदल कर उस मजदूर के पास जाती है। उसकी पायल की आवाज से मजदूर जाग जाता है और चिल्लाता है, अरे ओ, यहाँ क्या कर रही है, चल भाग यहाँ से। अरे अरे बाबूजी, बस जा ही रही थी, मैं तो ये देखने रुक गई कि ये बन क्या रहा है। तुम गांव वाले भी ना, ये वाईफाई का टावर है, जिससे फोन में कनेक्ट करने से इंटरनेट पर कुछ भी देख सकते हैं। अब चुड़ैल मन ही मन सोचती है, अच्छा तो इसकी वजह से अब यहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहेगा और मुझे रोज नया शिकार भी मिलेगा। लेकिन पहले मुझे अपनी शक्ति इस टावर में डालनी होगी। हाँ, इस टावर में डालनी होगी मुझे शैतानी शक्ति। तभी चुड़ैल उस टावर की तरफ बढ़ने लगती है और ये देखकर रोहन कहता है, अरे अरे कहाँ घुसी चली जा रही हो, दूर रहो टावर से, न जाने कहाँ से गवार लोग आ जाते हैं। चुड़ैल रोहन की बात पर कोई ध्यान नहीं देती और जाकर टावर को छू लेती है, जिससे कि चुड़ैल की सारी शक्तियां टावर में चली जाती है। तभी पीछे से रोहन भाग कर आता है और उस लड़की को जोरों से धक्का दे देता है, जिससे वो लड़की टावर से दूर जा गिरती है। तभी रोहन देखता है कि टावर में लाइट चल रही है। अब रोहन सोचता है, ये क्या हुआ, आज कनेक्शन तो हुआ ही नहीं, तो वाईफाई की लाइट कैसे चल रही है, चलो फोन में चलाकर देखते हैं, क्या पता नेट चल जाए। रोहन फोन में वाईफाई ओपन करता है, वहाँ पर वाईफाई का नाम आता है चुड़ैल का वाईफाई। अरे ये क्या मजाक है, छोड़ो वाईफाई किसी का भी हो, बस चलना चाहिए। ऐसा कहकर रोहन वाईफाई कनेक्ट कर लेता है और जिसको उसने धक्का दिया था उसको उठाने के लिए जाता है। वो देखता है कि लड़की जमीन पर गिरी हुई है। जैसे रोहन उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको उठाता है, वो अपने सर को पीछे घुमा लेती है और अब वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है और एक झटके में ही रोहन को जान से मार देती है। और अब वही चुड़ैल अपनी डरावनी आवाज में कहती है, अब से ये मेरा टावर है, जो भी इसके पास आएगा वो मारा जाएगा। अगले दिन वहाँ काम करने वाले वापस आते हैं। टावर के पास काफी सारा खून होता है। काम करने वाले भागते हुए जाते हैं और ठेकेदार को सब बता देते हैं। वहाँ पर सुरेश भी था, वो भी ठेकेदार के साथ टावर के पास आता है और डर जाता है। तभी सुरेश कहता है, अरे मोरे मैया,
अरे कहा था ना ठेकेदार, मैंने यहाँ चुड़ैल का साया है। लो हो गया शिकार शुरू, अब कोनो नहीं बचेगा। अरे मोरी मैया बचाओ अब कोई गांव को, बाय फाई ना लाए आप तो मौत ले आए हो ठेकेदार। अरे चुप करो, कुछ भी मत बोलो। ये किसी जानवर का खून है, इंसान का होता तो आसपास कोई लाश तो होती ना। चलो अब जाओ, सब अपना काम करो, आज वाईफाई का काम पूरा करना है। टॉवर का काम करते हुए रात हो जाती है, सभी लोग काम करके चले जाते हैं। तभी उस टॉवर के पास चुड़ैल आ जाती है और गुस्से में बोलती है, ये क्या, आज तो यहाँ कोई भी नहीं रुका, मुझे खून चाहिए खून। इतने में सुरेश कुछ गाता हुआ टॉवर के बगल से जा रहा होता है। अरे मोरी मैया, काम हो गया भैया, जल्दी जल्दी जाना है, खाना खाकर सोना है। अरे मोरी मैया, जल्दी जल्दी खाना है, खाना खाके सोना है, जल्दी जल्दी जाना है, खाना खाकर सोना है। चुड़ैल खुश होते हुए बोलती है, आहा, लो आ गया मेरा शिकार, पेट भर कर खाऊंगी आज तो। तभी सुरेश रुक कर टॉवर को देखने लगता है, उसकी नजर वाईफाई की लाइट पर जाती है। अरे मोरे मैया, लगता है वाईफाई वा चल गया है, अब तो मैं भी अपने फोन में चलाऊंगा। सुरेश फोन निकालकर उसमें वाईफाई ऑन करता है तो उसमें वही चुड़ैल का वाईफाई नाम लिखा हुआ आता है। ईका, चुड़ैल का वाईफाई, जरूर कौनो मजाक कर रहा है ताकि हम वाईफाई ना चला सके, लेकिन हम तो चलाएंगे, चुड़ैल का वाईफाई हो या यमराज का। ऐसा कहकर सुरेश वाईफाई कनेक्ट कर लेता है और जैसे ही खुलता है उसके सामने चुड़ैल भयानक रूप में आ जाती है जो हवा में उड़ रही होती है। अब सुरेश डर जाता है, अरे मोरे भैया, ईका बवाल बा, हमको जाने दो, ईका बवाल है, हमको जाने दो, हमको जाने दो। तू जाएगा लेकिन मेरे पेट में जाएगा, कम से भूख लग रही थी मुझे। सुरेश वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आती है और सुरेश के सामने आ जाती है और एक झटके में सुरेश को खा जाती है। आज तो मजा ही आ गया, स्वादिष्ट खाना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जब वहां काम करने वाले आते हैं तो देखते हैं कि वहां फिर से खून पड़ा हुआ है। ठेकेदार टॉवर का काम बंद करवा देता है और रात के समय ठेकेदार टॉवर के पास आता है। आज देखता हूँ आखिर यहाँ होता क्या है, कौन है वो खूनी। तभी ठेकेदार की नजर पड़ती है कि उसके बिना ऑन किए ही वाईफाई का टॉवर ऑन है। ये देखकर वो अपने फोन में वाईफाई ऑन करता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर ठेकेदार तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल मिला देता है और उसका दोस्त अब चुड़ैल और ठेकेदार की बात सुनने लगता है। तो तुम हो जो मासूम लोगों को मार रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने मारा है और अब तू भी मरेगा। मैं तेरी ही वजह से आज कोई भी खाना नहीं खा पाई हूँ और तेरी वजह से आज कोई भी नहीं आया टॉवर के पास। अब तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। चुड़ैल ठेकेदार को अपने लंबे हाथ करके जकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने लगती है और ठेकेदार को बस खाने ही वाली थी कि ठेकेदार का दोस्त कुछ गांव वालों के साथ आग की मशाल लेकर आ जाता है। आग देखकर चुड़ैल डर जाती है और ठेकेदार को छोड़ देती है। तभी एक गांव वाला चुड़ैल की तरफ मशाल फेंकता है। तुम मामूली से लोग मुझे मारोगे, मेरा क्या कर पाओगे। तभी चुड़ैल वापस से ठेकेदार को पकड़ लेती है। ठेकेदार वो जलती हुई मशाल उठा लेता है और खुद को छुड़ा कर भागता है। भागते हुए वो गिर जाता है और मशाल उसके हाथ से छूटकर टावर के पास जा गिरती है। जिसे देखकर चुड़ैल काफी डर जाती है
और वहां से गायब हो जाती है। गांव वाले ठेकेदार को लेकर गांव में आ जाते हैं और कहते हैं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, उस चढ़ाल को हमने गुस्सा दिला दिया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ठेकेदार उन्हें समझाता है, अरे शांत रहिए, हम लोग चाहें तो उस चुड़ैल को मार सकते हैं, लेकिन हम सबको साथ देना होगा। गांव वाले मान जाते हैं और सब मिलकर गांव के पंडित जी के पास जाते हैं, उनको सब बताते हैं। उसके बाद पंडित जी और गांव वाले वापस से टावर के पास जाते हैं। अब पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमतये नमः। भाग जाओ यहाँ से वरना सब मारे जाओगे, ऐसी चुनौती देती है वो चुड़ैल, और चुड़ैल अपने डरावने रूप में आ जाती है और गांव वालों की तरफ बढ़ने लगती है। इतने में ही ठेकेदार सबको इशारे से टावर के ऊपर मशाल फेंकने को कहता है। सभी लोग एक साथ मशाले फेंकते जाते हैं। धीरे धीरे टावर जलना शुरू हो जाता है। चुड़ैल ये देखकर परेशान हो जाती है और चिल्लाती है, चुड़ैल चीखते हुए वही भस्म हो जाती है और पंडित जी उस टावर को पवित्र कर देते हैं, जिसके कुछ समय बाद गांव में वाईफाई आ जाता है, जिससे सभी पढ़ाई ऑनलाइन करना शुरू कर देते हैं।